actual production or not. Okay, there is a difference between setup and commencement. So क्या चीज़ है, setup is the prerequisite for commencement. तो पहले सेटअप होगी कोई चीज और फिर कमेंसमेंट होगा, ठीक है. लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, सेटअप. जब से सेटअप हो गया हम मान लेंगे बिजनेस जो है स्टार्ट हो गया. तो आई थिंक इससे कुछ लोगों ने गलत किया था ये वाला क्वेश्चन, तो उनके लिए स्पेशली कि आप इसको देख लीजिए सेटअप और कमेंसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. और पहले सेटअप होता है देन ओनली कमेंसमेंट कैन हैपन, है ना, इट्स अ कॉमन लॉजिक ऑल्सो. तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच. So first setup and then commence. फिर एक और क्वेश्चन था इसमें, the business must be carried on by the SSE at any time during the year. इससे हम लोगों के दो तीन क्वेश्चन पे डाउट आपके क्लियर हो गए. Any sum received after discontinuance of the business is chargeable to tax in the hands of the recipient in the year in which it is received. ये सेक्शन में एक हमारा डिसकॉन्टिन्यूस वाला भी था क्वेश्चन. तो एक इस बात को समझ लीजिए, कंसेप्ट है ये भी सेक्शन 176 में. इसको आप लोग देख ही लीजिएगा 176 में, और भी कई क्लॉजेस दे रखे हैं, अभी कई सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस में किस तरीके से हम बिजनेस रसीद को कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है. जिसमें कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि इफ एनी सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ बिजनेस, यानी किसी ईयर में कोई बिजनेस जो है वो डिसकॉन्टिन्यू हो गया समझ लीजिए, ठीक है, किसी भी रीजन से. किसी ने समझ लीजिए बिजनेस चल रहा था, 3 साल से चल रहा था, और अभी 2020 में उसने मई में जाके बिजनेस जो है वो क्या कर दिया, डिसकॉन्टिन्यू कर दिया. तो क्या कह रहा है ये सेक्शन, एनी सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ बिजनेस इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. तो क्या देखिए, बिजनेस इनकम को चार्ज करने के लिए जो बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में बिजनेस होना चाहिए, राइट. यहाँ पर क्या है कि बिजनेस तो होगा नहीं क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया है ना, बिजनेस कंटिन्यू हो गया है, पर उससे मिलने वाली जो रिसीट है उसको चार्ज होने की बात कही जा रही है कि वो चार्जेबल टू टैक्स होगा. यानी कि अगर समझ लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, कार बेच रहा है, और उसने एक कार बेची हुई थी, ठीक है, और क्या वो उसका पैसा उसको अभी तक नहीं मिला था, और उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया. अब 2000 समझ लीजिए उसने बिजनेस कंटिन्यू कर दिया 1819, ठीक है, और 2021 में उसको उस कार का जो उसने सेल किया था या कोई भी आइटम आप समझ लीजिए उसका पैसा उसने 2021 में मिला, प्रीवियस ईयर 2021 में. तो हम उसे चार्ज कब करेंगे, प्रीवियस ईयर 2021 में ही जाके चार्ज करेंगे, इवन इफ उसके पुराने जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर में बिजनेस नहीं मिला रहे, राइट. तो डिसकॉन्टिन्यू वाले केसेस में जहाँ बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है वहाँ पर हम ये कंडीशन है, ये एक मतलब जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. ऐसे हम हमेशा कहते हैं कि बिजनेस रिसीव प्रीवियस ईयर में चार्ज होती है, यहाँ पर बिजनेस रिसीव प्रीवियस ईयर में चार्ज नहीं होगी, यहाँ पर बिजनेस रिसीव उस ईयर में चार्ज हो रही है जिस ईयर में हमें बिजनेस से मिलने वाला, बिजनेस से मिलने वाली रिसीट हमें एक्चुअल में प्राप्त हुई है. अगर बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू होता है उस केसेस में ये वाला क्लॉज लगता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसी चीजें जो थोड़ा सा अलग से होती है उनको पूछा जाता है. तो मैंने आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे भी मैं गो थ्रू हुई हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मेनली जो मैंने देखा है क्वेश्चंस ज़्यादातर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, है ना. तो आपको एग्जैक्टली में मालूम होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है, और जो जैसे डेफिनेशन से कई क्वेश्चन हैं बिजनेस प्रोफेशन में भी जो भी क्वेश्चन है मेनली डेफिनेशन से आए हैं जो कि डेफिनेशन है. तो हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है, राइट. तो यहाँ पर ये 176 भी आप लोगों की मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. अब ये वाला सेक्शन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 28 सेकेंड की ये जितने भी सेक्शन हमने पढ़े हैं, बिकॉज इट इज अ न्यू सेक्शन तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब कीमेन इंश्योरेंस के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी
किसी ने आपने से एक पार्टिसिपेंट भी उन्होंने पूछा था कि अगर पॉलिसी पूरी तरह से एब्सोल्युटली असाइन हो जाती है डायरेक्टर को या की पर्सन को असाइन हो जाती है तो एटीसी का जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगा। तो देखिए लॉजिकली है वैसे भी कि अगर उसको पूरी तरह से एब्सोल्युटली असाइन हो गई है तो किवन इंश्योरेंस पॉलिसी फिर उसके नाम पर हो जाएगी, तो एटीसी का डिडक्शन जो है वो जो कीमेन है यानी जिसके नाम पे एब्सोल्युटली असाइन हुई है उसी को मिलेगा। पर एक्चुअली में जो मैंने क्वेश्चंस और सारी चीजें देखी उसके केस लॉस वगैरह उसमें ये वाली चीज कभी आई नहीं है, राइट? तो हम इस पे डिस्कशन से ज्यादा, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि एटीसी उसी को मिलेगा, राइट? जिसने उसके लिए प्रीमियम जो पे कर रहा है क्योंकि एब्सोल्युटली असाइन हुई है उसके फेवर में। बट बात ये है कि ये जो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका जो इनकम टैक्स ने इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10D में जो इसकी डेफिनेशन दे रखी थी उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन था एसएससीज के बीच में सीएस के बीच में। तो इसलिए ये केस लॉस के थ्रू ये काफी इवॉल्व हुआ है ये वाला सेक्शन। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ था जो इसके वर्ड्स है इसमें ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी को उन्होंने डिफाइन किया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इसको अगर पढ़े एक बार तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस क्लॉज कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, राइट? हु इज और वॉज द एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन। तो क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक पर्सन ले रहा है दूसरे पर्सन की लाइफ के लिए, है ना? यानी आदमी अपने लिए खुद के लिए की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है, एक पर्सन लेगा दूसरे पर्सन के लिए लेगा, है ना? और क्या होगा ज्यादा केसेस में कि जो फर्स्ट मेंशन पर्सन होगा जो सेकंड मेंशन पर्सन होगा वो फर्स्ट का इम्प्लॉय होगा, राइट? मतलब सिंपल। या फिर क्या हो सकता है, और इज और वॉज कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाट सो एवर विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, यानी कि किसी भी तरह से कनेक्टेड होगा। तो इम्प्लॉय अगर नहीं है तो डायरेक्टर हो सकता है ना? उसका किसी भी तरीके का एक ऐसा एक्सपर्ट हो सकता है जिसके बिना वो जिसको वो कीमेन मानता है, और इवन डायरेक्टर भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर भी इम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर पार्टनर हो सकता है, सॉरी, क्योंकि पार्टनर इम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर तो इक्वल टर्म पे होता है। तो ये जो सच पॉलिसी विच एनी असाइन टू अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी विद और विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है? तो और इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड इंक्लूड सच पॉलिसी विच हैज बीन असाइंड टू अ पर्सन, यानी कि वो पॉलिसी ये जो है एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक साथ साथ लिख दिया है वो वैसी पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड होगी विच हैज बीन असाइंड टू अ पर्सन, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ने ली और अगर किसी दूसरे को असाइंड मतलब जिस नाम जिसके नाम पे ले रखी थी पॉलिसी उसी पर्सन को अगर असाइंड भी कर दी तो भी वो कीवन इंश्योरेंस पॉलिसी ही रहेगी। ये सेक्शन 10D में क्लियरली दिया हुआ है, सेक्शन 10D में दिया हुआ है। तो बात यह है कि पहले तो इसका जो वर्डिंग है उसमें ऐसा लगता है इसको पढ़ के कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो किसी दूसरे के नाम पे ले रखी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है इस तरह से नहीं है। जितनी भी IRDA ने भी, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको लेकर गाइडलाइंस इश्यू कर रखी है। एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने भी जो उनके प्रोडक्ट होते हैं की इंश्योरेंस पॉलिसी वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो इसका जब इस पॉलिसी को लिया जाता है तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें डिफरेंट होती है। तो पहले क्या था कि 2016 में एक्चुअली जाके ये चीज क्लियर हो पाई थी आफ्टर केस लॉस के बाद में क्लियर हुआ था कि इवन पार्टनर के केस में हम एक पार्टनर यानी एक फर्म जो है वो अपने पार्टनर के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको डेवलप होने में कितना टाइम लगा है इस पॉलिसी इंश्योरेंस को, क्योंकि 2016 में CBDT के सर्कुलर के थ्रू ये चीज क्लियर हो पाई थी। इसके पहले हमेशा ये होता था कि अगर पार्टनर के नाम पर की इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती थी तो एसएससी ऑफिस को उससे उसके अंदर दिया जाने वाला जो प्रीमियम होता था जो कि फर्म पे कर रही होती थी उसको ऐड कर देते थे, ये खर्चा जो है ये हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर जो है वो कीमेन नहीं हो सकता है, पार्टनर की तो कंपनी, पार्टनर की तो वो फर्म ही है ना, किसी दूसरे के नाम पे नहीं ले सकते हैं, मतलब पार्टनर के नाम पे नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर 2016 में जाकर ये चीज क्लियर हो पाई कोर्ट में CBDT के सर्कुलर के से कि एक पार्टनर जो है यानी फर्म जो है वो अपने पार्टनर के नाम के ऊपर भी ले सकता है इवन इफ पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, राइट?
ना, तो यही चीज डायरेक्टर के ऊपर थी, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है पर उसके नाम के ऊपर थी, जो कंपनी है वो कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर हमने जो दूसरी बात की वो क्या की कि अगर एम्प्लॉय के नाम पर है और उसके बाद में उससे जो भी पैसा मिलता है वो क्या हो जाएगा, कंपनी के हाथ में। अगर एम्प्लॉय के नाम पर है तो एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है ना, उसके हाथ में वो पैसा बिजनेस फ्रॉम इनकम की तरह से टैक्स होता है, क्योंकि जो पॉलिसी होती है कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको सेक्शन 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलता है, तो अभी क्लियरली हमारे एक्ट में दे रखा है। दूसरी हमें जो चीज पड़ी थी वो क्या पड़ी थी कि अगर समझ लीजिए पार्टनर के नाम पर है यानी कि एम्प्लॉय नहीं है, या डायरेक्टर के नाम पर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ऐसे केसेस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्स होगा। अगर कंपनी को मिलता है पैसा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्स हो जाएगा। और ठीक है, और अगर ये पॉलिसी जो है वो एम्प्लॉय को असाइन कर दी जाती है इस बीच में, है ना, एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो जाता है उसके फेवर में, तो क्या होगा, जब असाइनमेंट होता है तब वो उसके लिए एक तरीके का इनकम फ्रॉम सैलरी में वो जाके टैक्स होता है, जो भी वहां से पैसा मिलता है। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नया जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, इवन इफ वो असाइन हो जाती है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो जाता है इन फेवर ऑफ द की मैन, बट स्टिल द पॉलिसी विल रिमेन एज अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसा नहीं होगा कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट के बाद में इस पॉलिसी को हम एक नॉर्मल पॉलिसी की तरह से ट्रीट करेंगे और 10(10)(d) में डिडक्शन लेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आया था ये 2013 से ये वाली चीज क्लियर हो पाई है, उसके पहले ऐसा नहीं होता था, इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंटेंशन रहे थे। तो अब ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर एब्सोल्यूट असाइनमेंट भी हो जाता है फेवर में, तो भी उससे मिलने वाली जो प्रोसीड होगी वो कीमन इंश्योरेंस, वो तब भी वो कीमन इंश्योरेंस का पैसा ही कहलाएगा और उससे एग्जेम्पशन नहीं है। तो आई होप कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगों को अब काफी कुछ क्लियर हो गया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे आप लोग जरूर उसे कर पाएंगे। आप प्लीज कोई चैट बॉक्स में लिखे कि उसको वो क्लियर हुआ है, दो तीन लोग जरा लिख दे तो मुझे भी लगेगा कि हम टॉपिक से आगे बढ़े। हेलो, आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके okay. और एक और चीज है जो इसमें कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी से, कीमन पॉलिसी का मेच्योरिटी अमाउंट किसको मिलेगा? तो देखिए ये चीजें, कीमन पॉलिसी का जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो किसको मिलेगा, वो उस कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को मिलेगा जिसने वो पॉलिसी ले रखी थी अपने कीमेन के नाम के ऊपर, है ना। तो ऐसे केसेस में अगर कीमेन की डेथ हो जाती है तो जो पैसा है वो उस कंपनी को मिल जाएगा ऐसा, और उसको 10(10)(d) में उसके बाद डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वो एब्सोल्यूट असाइन हो गई है कीवेन के नाम के ऊपर, कंपनी ने दे दिया है कीवेन को जिसके नाम पे पॉलिसी ले रखी थी, 3-4 साल बाद में किस भी रीजन से उसने एब्सोल्यूटली असाइन कर दी है, तो जो पैसा है वो कीवेन को मिल जाएगा, है ना। पर ऐसे केस में भी क्या होगा कि उसको 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और कीवेन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है जिसने वो पॉलिसी दी है, तो अगर जो भी प्रीमियम है उसका उस कंपनी को डिडक्शन मिल जाता है, एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है वो, मतलब करता है एक्सपेंडिचर क्लेम। तो ये एक अलाउबल एक्सपेंडिचर है सेक्शन 37 में, इससे अलाउबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो पूरी तरह से होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज किया जाता है।
अब हम इसके बाद में 28.6 से एक बार आप लोग मैं इसलिए चाहती हूँ आप लोग इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये जो सेक्शन है और साथ में सेकंड ई जो है 28 सेकंड ई, ये दो सेक्शन नए ऐड हुए हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके दिमाग में ये सेक्शन अच्छे से आ जाए, ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग इजिली इसको कर पाए। तो ये हमने पढ़ा था उस दिन भी, एक बार फिर से देख लीजिए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट डिटरमाइन इन द प्रेसाइज मैनर। ठीक है, तो जो भी इन्वेंट्री है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू किस डेट में ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, है ना, जिस दिन से उसने कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जैसे कि समझ लीजिए कोई कार का डीलर है और उसने तीन चार कार जो है वो अपने पहले वो बेच रहा था, फिर उसने कुछ कार जो है उसने अपने शोरूम में रख ली है कि एज अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज या इस तरीके से, तो उसने उसको अपने कैपिटल एसेट का पार्ट बना लिया, पहले वो स्टॉक में ट्रेड। तो अगर इस तरह की चीज होगी तो क्या हो जाएगा, हम उसे कैपिटल एसेट की तरह से ट्रीट करेंगे, है ना, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है इन्वेंट्री की, हम उसको लेकर चलेंगे कि जो भी डिफरेंस अगर आता है तो हम उसको कैपिटल मानेंगे, एज अ इनकम हम उसे टैक्स करेंगे। तो इसके पीछे ये जो रीजन फॉर प्रपोज अमेंडमेंट है, ये जो जब भी कोई एक्ट में कुछ भी चेंज आता है तो जो फिनेंस एक्ट आता है उसके अंदर उसके अमेंडमेंट के पीछे के रीजन लिखे होते हैं, है ना, कि रीजन आया क्यों है। तो ये आप देख लीजिए इसके अंदर रीजन फॉर प्रपोज अमेंडमेंट ये थे। तो अभी आप लोग कैपिटल गेन आपने पढ़ा नहीं है, वैसे पढ़ देखा जरूर होगा आप सभी लोगों को। तो कैपिटल गेन में क्या होता है, बहुत ही क्लियरली सेक्शन है उसके अंदर 45(2) में, कि कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक एंड ट्रेड में कोई चेंज करता है तो 45(2) में उसको कैपिटल गेन वाले सेक्शन उससे लग जाते हैं। तो इस वजह से उसके लिए सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं था कोई भी, कि अगर रिवर्स हो जाता है उसी प्रैक्टिस को, यानी कि स्टॉक एंड ट्रेड जो है उसको कैपिटल एसेट में चेंज किया जाता है। ये 1920 से और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और जो इसके अंदर है कि इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो है रूल्स प्रेस्क्राइब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 6A, तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर जिस तरीके से हम जो कैपिटल गेन्स निकालते हैं, है ना, कैपिटल गेन्स को जब हम एसेस करते हैं कि कितना कैपिटल गेन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसके केसेस में, प्रॉपर्टी के केसेस में हम लेके चलते हैं जो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है। तो हम मान के चलते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो उसका फेयर मार्केट है, फेयर मार्केट रेट है। और अगर SSC मना करता है या SSC किसी तरह का कहता है कि नहीं ये नहीं है या कम होगा इससे, तो हम क्या करते हैं, हम स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो होता है हम उसके पास में जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही प्रोसीजर है। तो 11U और 11UA सेक्शन जो है इसके अंदर डिटरमिन करने के लिए रूल्स दे रखे हैं, वो सारे रूल्स इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं 11UAB CBDT में 30 अगस्त 2018 से एक सिमिलर सेक्शन, पहले 11U और 11UA था, तो 11UAB बना दिया है जिसके अंदर उससे रिलेटेड रूल्स दे रखे हैं। तो आप लोग ये 11UAB जो है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड में वो क्वेश्चन भी आ जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ इससे रिलेटेड 28(6A) से रिलेटेड, तो साथ ही साथ ही ये भी पूछ लिया जाए कि वो कहाँ पर इसको फेयर मार्केट वैल्यू के लिए निकालने के लिए जो रूल्स है वो कहाँ पे दे रखे हैं। तो आप बता सकेंगे कि 11UAB में वो दे रखा है, नोटिफाई किया हुआ है सीबीडी। अब देखिए अब इसके बाद में आते हैं हम लोग, एक बहुत ही अच्छा ये सेक्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन 28 में ये दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन 28 आप लोग चाहें तो अपने सेक्शन में अपने पास अगर आपके पास में एक्ट हो तो आप लोग उसको देख लें। एक्सप्लेनेशन टू में जो दिया हुआ है मैं रीड कर देती हूँ, वैसे मैंने आगे लिखा भी है पर मैं रीड कर देती हूँ। तो सेक्शन 28 के एक्सप्लेनेशन टू में दिया है, वेयर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कैरीड ऑन बाय एन एसएससी आउट ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, द बिजनेस हियर इन आफ्टर रेफर टू एज स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज एक्ट में की हुई है एक्सप्लेनेशन टू में। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में एक्सप्लेनेशन टू में दिया हुआ है,
अब सेक्शन 28 सबसे लास्ट में लिखा है, सेक्शन 29 की जस्ट पहले। तो पहली चीज हमें इसमें क्या समझनी है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। ठीक है, इस सेक्शन में ये लिखा है, एक्सप्लेनेशन टू में ये लिखा है कि अगर एसएससी जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कैरी करता है और इस नेचर में कैरी करता है कि वो एक बिजनेस की तरह से नजर आता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है एक बिजनेस की तरह से, तो उससे उस बिजनेस से होने वाली जो भी इनकम है वो क्या मानी जाएगी, या उस वो जो बिजनेस है उसका वो दूसरे किसी भी बिजनेस से डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर वो इस लेवल पे करता है, यानी कि अगर किसी ने एक आध कुछ कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन कर लिया तो वो नहीं आएगा, है ना, तब वो कहाँ जाएगा, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, है ना। पर यहाँ पर क्या है कि अगर वो एज अ बिजनेस के तरीके से कर रहा है स्पेकुलेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कुछ लोग यही काम करते हैं, इसे सट्टेबाजी कहा जाता है, तो उस तरह की अगर चीज होती है बिजनेस की तरह से तो उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहेंगे, और उससे होने वाला वो जो बिजनेस है उसको, उसका जो भी बुक्स है, किताबें से जो भी चीजें ट्रांजेक्शन है उसको हम अलग तरह से मतलब देखेंगे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर एसएससी कोई और बिजनेस कर रहा है तो हम दोनों बिजनेस को अलग अलग रखेंगे, है ना, वो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट बिजनेस। तो क्यों करेंगे, इसके पीछे की रीजन है वो अभी हम स्लाइड में देखते हैं। तो पहली चीज है इनकम दैट इज डिराइव फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज स्पेकुलेटिव इनकम, पहली चीज ये होती है। ठीक है, एक सिंपल चीज, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम को हम स्पेकुलेटिव इनकम मानेंगे। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या है, इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग द स्टॉक एंड शेयर, ठीक है, सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल रिलीज और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट। तो क्या चीज है, देखिए शेयर, जब आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं ना, तो उसके दो तरीके से हम और दो इंटेंशन में शेयर खरीदा जाता है। पहला इंटेंशन कोई गया मतलब उसने देखा और उसने क्या किया कि 10 कंपनी में लगा दिया, और लगाने के बाद उसको इस उम्मीद से लगाया, इस उम्मीद से इन्वेस्ट किया कि आगे आने वाले फ्यूचर में उसको जब वो उसके शेयर के प्राइस बढ़ेगी तो उसको बेनिफिट होगा और उसका कोई इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, दूसरी क्या चीज होती है, और ऐसे केसेस में जब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है तो मतलब आप वेट करते हैं और उसके बाद में वो बीबैक होता है आपके अकाउंट में, तो रिफ्लेक्ट होते हैं कि अगर आपने एचसीएल के 100 शेयर लिए हैं तो आफ्टर सम टाइम वो आपके एक दिन के बाद में नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे वो आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, यू विल बी द होल्डर ऑफ दैट शेयर। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है जो कि नॉन जो जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट में जिस तरह से काम होता है ना, जो इसके लिए जो बिजनेस की तरह से करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसकी डिलीवरी नहीं लेते हैं, वो लोग उसको रोक कर लगते हैं, और उसके बाद में जैसे ही अगर दिन भर में भी उसका दाम बदल जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसको तुरंत सेल कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी जो होती है शेयर्स की वो नहीं होती है, वो खाली थोड़े समय के लिए उसे होल्ड करते हैं फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे केस जो होता है उसको हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि फायदा होगा नहीं होगा, तो आप स्पेकुलेशन में हो। और अगर आप ये सोच के करो कि हाँ ठीक है कंपनी है और मैंने मुझे इन्वेस्ट करना है और आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट की तरीके से किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट की तरह से आपने कर रखा है तो कई साल तो आपको भी आप लंबे समय तक आप उसे होल्ड करेंगे, डिलीवरी तो आपके डीमैट अकाउंट में तो आ ही जाएगा, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल गेन के हिसाब से आप उसके जो भी कैपिटल गेन होगा वो आप दोगे इन द केस ऑफ अगर आपको गेन होता है। लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में उसके रिवर्स है, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में जो पर्सन होता है, जो एसएससी है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो खाली वो होल्ड नहीं करता है, वो स्पेकुलेट करता है और पूरे जो शेयर होता है उसकी एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं लेता है। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है जब वो बिजनेस के तरीके से होने लगे ट्रांजेक्शन, और खाली वही अगर काम हो रहा है ना ऑन अ बिगर स्केल विच विल कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, जैसे बिजनेस के बारे में जो हमने बिजनेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि रेपिटेटिव एक्टिविटी कंटिन्यूअसली है ना सेम चीज करना बार बार, तो वो उसके अंदर बिजनेस के अगर लक्षण नजर आते हैं जो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक हैं तो हम उसको बिजनेस मानेंगे, और हम उसे कहेंगे कि वो एक स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है एसएससी। अगर वो इस तरह से कर रहा है तो हम कहेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है, और अगर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है तो हम उस बिजनेस को एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट बिजनेस मानेंगे उसके किसी भी दूसरे अलग बिजनेस से, और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट
या लॉस है उसको हम अलग सेपरेटली एसेस करेंगे। तो इन केस ऑफ इंट्रा डे ट्रेडिंग इन शेयर जिसको स्पेकुलेटिव कहा जाता है, देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी एज द शेयर एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द सेम डे एंड इट डज नॉट एंटर द डीमैट अकाउंट एट ऑल। ठीक है, डीमैट अकाउंट में आने का मतलब ही होता है कि अब वो शेयर आपका है, अगर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया है तो वो शेयर आपका नहीं है। तो इंट्रा डे ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ शेयर विद इन द सेम डे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रा डे ट्रेडिंग होता है इसमें, जनरली डिलीवरी इज नॉट टेकन इन केस ऑफ इंट्रा डे ट्रेडिंग एंड दस दीज आर सेड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। देयरफॉर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट इंट्रा डे ट्रेडिंग इनकम इज स्पेकुलेटिव इनकम। तो हम इसको समझ के कह सकते हैं कि ये स्पेकुलेटिव इनकम होगी, इंट्रा डे ट्रेडिंग से होने वाली इनकम। तो हाउ स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीटेड, ठीक है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है इसके बारे में। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इज टू बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट जरूर होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट बिजनेस। और दूसरी चीज क्या है कि कैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाला लॉस है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो हम जब तक ही उसे डिस्टिंक्ट बिजनेस की तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उससे होने वाले लॉस को भी हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे होने वाला जो लॉस है वो किसी भी दूसरे लॉस के साथ में हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाली इनकम और लॉस को डिफरेंट अलग कॉन्स्टिट्यूट करें, अलग रखें। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट बिजनेस इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ट्रीटमेंट क्यों हम इसलिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा पर्पज है वो ये है सेट ऑफ जो है अगर लॉस होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में लॉस होता है तो फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉस का बिजनेस इम्पोर्टेंट है कि हम जो डिस्टिंक्ट और सेपरेट बिजनेस की तरह से ट्रीट करें। तो डिस्टिंक्ट और सेपरेट बिजनेस की तरह से ट्रीट करने का मतलब क्या है कि हम उसका जो बिजनेस अकाउंट है वो हम अलग रखेंगे, उससे होने वाले खर्चे अलग रखेंगे हम, है ना, उससे होने वाली जो भी इनकम है हम उसको अलग रखेंगे। अगर आदमी दो काम कर रहा है, एक कुछ शॉप भी है तो शॉप से होने वाले खर्चे और शॉप से होने वाली इनकम को अलग रखेंगे, और स्पेकुलेशन से होने वाली इनकम और स्पेकुलेशन से होने वाले लॉस को वो अलग रखेंगे। एज पर सेक्शन 73 आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो 73 सेक्शन में जैसा आप लोग जानते हैं दिया हुआ है, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस अनलाइक लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस व्हिच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस, राइट। तो ऐसे क्या होता है कि जो बिजनेस से होने वाला अगर कोई आदमी है वो जो बिजनेस कर रहा है वो अगर एक बिजनेस से लॉस हुआ तो दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ हो जाता है, पर अगर दूसरा बिजनेस स्पेकुलेटिव है तो उसके साथ में सेट ऑफ नहीं होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा वो सेट ऑफ नहीं होगा। Further loss from a speculation business carried forward in a subsequent year can be set off only against the profit and gains of any speculative business in the subsequent year. ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो speculative business से होने वाला जो loss है हम उसे जब carry forward करते हैं तो पहली चीज तो ये है कि वो सिर्फ 4 साल तक हम उसे carry forward कर सकते हैं, और वो किसके साथ में set off होगा, speculative business के income के साथ में ही, यानी कि profit and gains के साथ में ही set off होगा। Along with treating speculative business as separate and distinct business, profit and losses resulting from a speculative transaction must also be treated as separate and distinct from other profits and gains of business and profession. Loss from a speculative business cannot be carried forward for more than 4 assessment years succeeding the year in which the loss has occurred. So, 4 साल तक ही कर भी सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो भी अकाउंट है जो भी उसका लॉस और प्रॉफिट है उसको सेपरेटली रखा जाए। अब हम आते हैं सेक्शन 29 जो कि उसका चार्जिंग सेक्शन है, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस को। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 32-42। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए सेक्शन 28 में आपको बताया गया कि क्या बिजनेस में क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। सेक्शन 28 की जो स्टार्ट लाइन है वो है
जिसकी हेडिंग है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशन, और इसके अंदर आपको बताया गया द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द एक्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशन, इसके अंदर हमने अभी सारी चीजें पढ़ी, ये चीजें जो है ये इस तरह से होने वाली इनकम जो भी है वो क्या होगी, वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। अब क्या है, इनकम तो हमारे पास में आ गई, लेकिन इनकम के अंदर से डिडक्शन होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तभी तो हम प्रॉफिट में पहुंचते हैं। तो कंप्यूटेशन की बात आ गई है ना, तो कंप्यूटेशन जब करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 32-42B, इसके हिसाब से हम उसे कंप्लीट करेंगे। इट मस्ट फॉरवर्ड बी नोटेड दैट द अलाउंसेस एंड डिडक्शंस आर नॉट एग्जॉस्टिवली लिस्टेड, यानी कि जो अलाउंसेस और डिडक्शंस हैं वो एग्जॉस्टिवली नहीं लिखे गए हैं, यानी कि जो चीजें लिखी गई है वो तो है ही, पर और भी कुछ चीजें भी हो सकती हैं जो कि मे बी मेंशन ना हो एक्ट में, है ना, बट वो बिजनेस के लिए जरूरी है करने के लिए वाला एक्सपेंस, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि अगर उस बिजनेस की नीड है और वहाँ पे जरूरी है। बहुत से नए नए खर्चे होते हैं जिसको हम मतलब एक्ट लिखते समय जो हमारे एक्ट लिखने वाले लोग भी हैं वो भी नहीं जान सकते हैं कि क्या और चीजें आ सकती हैं, तो उनको भी इसीलिए एग्जॉस्टिवली लिस्टेड नहीं है ना। तो देखा जाएगा एक जो मेन प्रोविजन है उसके अंदर 37 सेक्शन 37 में दिया हुआ है कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी खर्चा अगर बिजनेस को चलाने के लिए और सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए ही यूज किया गया है तो उसका रिडक्शन मिलेगा, उस एक्सपेंस को किया जाता है, अगर वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर उस खर्चे को किया गया है तो उसका लाभ मिलेगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ डिडक्शन विल डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द एसएससी सब्जेक्ट टू डीटी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ये जो है एडमिसिबिलिटी ऑफ डिडक्शन डिपेंड करता है अकाउंटिंग मेथड, कैश कैश सिस्टम है कि एक्यूरल बेसिस के ऊपर है, और साथ में लेकिन कुछ जो है डीमिंग प्रोविजंस होते हैं, डीमिंग प्रोविजंस वो होते हैं जिसके अंदर नॉर्मल कोर्स में जो चीज हो रही होती है, जैसे नॉर्मल कोर्स में अगर कोई खर्चा है वो मिलेगा, पर अगर डीमिंग प्रोविजन में लिखा है कि ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, है ना। डीमिंग प्रोविजन जो होते हैं वो नॉर्मल प्रोविजन से डिफरेंट होते हैं और उसके अंदर लिखी वाली चीज ओवरराइड करती है और सारी कंडीशन। अब आ जाते हैं हम, तो हमने यहाँ पे बात की है ना एग्जॉस्टिवली लिस्टेड नहीं है, और सेक्शन 36-44D तक जो डिडक्शंस हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम इससे होने वाली इनकम को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसका पहला सेक्शन जो है यहाँ पे 30 से 37 में स्पेसिफिक डिडक्शंस दिए कि ये जो डिडक्शन है ये तो एसएससी को मिलेंगे, राइट। इससे होने वाले जो भी डिडक्शंस हैं वो जो यहाँ पे मेंशन है वो जो बिजनेसमैन है उसको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो है उसमें दिया हुआ है रेंट टैक्स, रेंट रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, यही सेक्शन में भी लिखा हुआ है, रेंट हो गया, रेट्स हो गया, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट्स अब सेक्शन जो पढ़े हुए तो इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट्स taxes, repairs and insurance for the premises used for the purpose of the business or profession, ना इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि बिजनेस के पर्पस से यूज होना चाहिए सारी चीजें, यानी कि जब भी आप एज अ जब आप असेसमेंट में आप देख रहे हो ना, आपके पास में आया है, आप ऑनलाइन भी आप आता है, तो आप उसके अंदर जब देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रेंट या जो भी रेट्स हैं, है ना, रेट का मतलब जो गवर्नमेंट की जिस तरीके की और नई नई चीजें जो पे करना होता है ना, किसी भी तरीके का जो भी टैक्स वगैरह है, या तो वो सारी चीजें टैक्सेस, इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, सारा रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्रमाइसेस ना यूज फॉर द पर्पज, तो जो प्रमाइस है उसके ऊपर किए जाने वाले ये जो खर्चे होते हैं वो जो प्रमाइस है वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर यूज की जा रही है तो डिडक्शन मिलेगा। तो जब भी आप देखें तो अगर उसके अंदर उसने दे रखा है, रेंट दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं किसी का अकाउंट देख रहे हैं ना, उसके अंदर उसने रेंट दिया है, तो पहले तो क्या क्वेश्चन करता है कि ये जो रेंट दिया जा रहा है इस प्रमाइस के लिए ये प्रमाइस यूज हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर दिया जा रहा है या म्यूनसिपल टैक्सेस का कुछ भी दिया जा रहा है या रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस रिपेयर्स हुआ है किसी चीज का, तो वो जो जिस प्रमाइस के बारे में बात हो रही है वो प्रमाइस बिजनेस के लिए यूज हो रही है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट कैच है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दो सब क्लॉजेस दे रखे हैं, तो सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। तो पहली चीज हमने समझ ली कि
आप याद रखिएगा आप लोग, चार चीजें हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। इसमें मैंने ना रिपेयर्स नहीं लिखा, इसलिए मुझे रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। ठीक है, तो ये पांच चीजें हमें याद रखनी है कि ये चीजें अलाउबल होती है, एक्ट में दिया हुआ है तो बिल्कुल अलाउबल है ये चीजें। अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि एसईसी जो है वो जो भी प्रमाइज है दो तरीके से वो उस पर बिजनेस कर सकता है, या तो वो उसकी खुद की प्रमाइज है ना, आप अपनी प्रमाइज से भी कर सकते हो, आपकी खुद की शॉप है, बहुत से लोगों की अपनी शॉप होती है बिजनेसमैन की। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने रेंट पे ले रखा है, दो केसेस हैं, दोनों के लिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है, हमारे एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह का कोई केस आपके सामने आता है तो आप जरूर देख लें, क्योंकि जब एक्ट में क्लियर है तो जो एक्ट वो वॉइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऑडिबल नहीं हो गए, जरा बताइए, कोई और भी बताइए। और ठीक है, तो देख लीजिए जहाँ पे वॉइस, हाँ सभी, बहुत लोगों ने लिख दिया ऑडिबल है, तो आई थिंक आई एम ऑडिबल ना, बीच बीच में कम हो गई आपकी आवाज, मे बी थोड़ा नेटवर्क का हो, बट आई थिंक यहाँ तो लोगों को ऑडिबल है, आप थोड़ा सा देख लीजिए जिससे मे बी आपके इंटरनेट में कुछ इशू हो, क्योंकि यहाँ तो ठीक लग रहा है। तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आ रही है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो दो कंडीशन हो सकती है ऐसे केसेस में, है ना, कि जो प्रमाइज है वो एसएससी की खुद की प्रमाइज हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें वो प्रमाइज जो है वो एज अ टेनेंट ऑक्यूपाई कर रखी है। तो फर्स्ट केस में द रेंट ऑफ प्रमाइसेस, इफ द एसएससी हैज ऑक्यूपाइड द प्रमाइसेस एज टेनेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स इफ ही हैज अंडरटेकिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स। तो क्या हो जाएगा कि पहला कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला कंडीशन पढ़ रहे हैं कि अगर टेनेंट की तरह से, टेनेंट का मतलब अगर उसने किराए पर ले रखा हो, है ना, रेंट पर ले रखा हो, तो रेंट जो प्रमाइस का रेंट है वो क्या होगा, वो एक अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा, स्पेसिफिक डिडक्शन होगा कि रेंट का पैसा उसको मिल जाएगा, वो उसे डिडक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स इफ ही इज अंडरटेकिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स, और अगर उसने उस प्रमाइस के ऊपर किसी भी तरीके का रिपेयर कराया हो, है ना, आपने, आप समझ लीजिए किराए पर शॉप ले रखी है तो भी होता है ना, बीच बीच में कुछ खर्चे होते हैं जिनको आपको करना पड़ता है, तो रिपेयर्स करनी पड़ सकती है, लेकिन कैसी रिपेयर होनी चाहिए, वो करेंट रिपेयर होनी चाहिए, है ना। करेंट रिपेयर का मतलब छोटी मोटी जो रिपेयर्स होती हैं वो होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए, है ना, किसी तरीके का कुछ नया एसेट नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने मतलब ले रखा है, एक छत पे एक कमरा लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत से बिजनेस वाले वो होते हैं, हर फ्लोर के ऊपर शॉप्स होती हैं, उसने अगर एक फ्लोर पे एक शॉप ले रखी है, आगे जगह है वहां पर उसने एक और बना दिया, कंस्ट्रक्शन करा दिया, तो ऐसे ये जो होगा ये अलाउबल नहीं होगा उसको, है ना, ये होने वाला एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउबल। खाली जो करेंट रिपेयर्स होती हैं जिनको हम कहा जाता है छोटी मोटी रिपेयर जो हर जगह होती है वो ही अलाउड है, इफ ही हैज अंडरटेकिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर, वो भी कब अलाउड होगी, जबकि उसने जो भी कॉस्ट है रिपेयर का उसको करने के लिए, है ना, उसने अगर करवाया है तो अलाउ होगी, और अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में चीज मेंशन भी है तो। तो द रेंट ऑफ प्रमाइसेस ये क्लियर हो गया, इफ द एसेसी हैज ऑक्यूपाइड द प्रमाइसेस एज टेनेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। अमाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स इफ द एसेसी हैज ऑक्यूपाइड द प्रमाइसेस अदरवाइज देन एज अ टेनेंट, अब क्या है कि अगर उसने अदरवाइज देन एज अ टेनेंट कर रखी है, सेक्शन में एक्चुअली जो इनकम टैक्स का हमारा सेक्शन है सेक्शन 30, उसी के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा क्योंकि इनकम टैक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो अदरवाइज देन एज अ टेनेंट, अगर अदरवाइज देन एज अ टेनेंट का मतलब कि अगर वो खुद ही ओन कर रहा है उसको, द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स टू द प्रमाइसेस। तो वहां पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स नॉट बीइंग पेड बाय द एसेसी एज़ अ प्रमाइसेस अदरवाइज देन एज़ अ टेनेंट, अगर उसने अपने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसको क्या होगा, सिर्फ करंट रिपेयर्स जो होगा, है ना, वो अलाउ होगा खर्चों में,
लेकिन उसको क्या अलाउ नहीं होगा? देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रेंट भी अलाउ हो रहा है, यहाँ पर अगर खुद की प्रमाइस है तो रेंट अलाउ नहीं है ना। ये चीज बिल्कुल आप समझ लीजिए, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि अगर प्रमाइस आपकी खुद की होती है तो आप एक बार को, मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर खुद की भी आप बिजनेस चला रहे हो वहां पर, तो शायद आपको हो जाना चाहिए, रेंट भी अलाउ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं और जाके वही बिजनेस कर रखे हो तो आपको रेंट देना पड़ता है ना। तो आप अपने, अगर अपने ही प्रमाइस पे आप कर रहे हो तो आपको रेंट रेंट का डिडक्शन मिलना चाहिए। बट ये एक्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि अलाउ नहीं होगा, है ना। इंडिया में जो होम ऑफिस वाला कंसेप्ट होता है वो अलाउ नहीं है, यानी कि आप घर के अंदर अपना ऑफिस बनाकर उसका रेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ देखिए द रेंट ऑफ प्रमाइस, अगर प्रमाइस जो है वो टेनेंट की तरह से लिया हुआ है तो रेंट अलाउ होगा, और साथ ही साथ में करेंट रिपेयर्स अलाउ होगा, है ना। और अगर उसने खुद ऑक्यूपाई, मतलब क्या किया हुआ है, खुद की प्लेस पर है, उसका अपना प्लेस है उस पर है, तो उसे रेंट अलाउ नहीं होगा। उसे क्या अलाउ होगा? करंट रिपेयर्स अलाउ होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, सिर्फ करंट रिपेयर्स अलाउ होंगे। एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो और कोई भी पैसा जो कि उसने लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में, या फिर जो भी लोकल रेट्स हैं या म्यूनिसिपल टैक्सेस है ना, उस फॉर्म में जो भी पैसा दिया हुआ है वो दोनों को अलाउ होगा। यानी कि टेनेंट भी अगर है तो उसको भी अलाउ होगा, और अगर खुद का मालिक है उस प्रमाइस का, मतलब उस जगह का ओनर जो है, जिस एसएससी जो है वो खुद ही मालिक है अगर, तो भी अलाउ होगा। ये सारी चीजें, अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क और डैमेज ऑफ द प्रमाइसेस। तो अगर इंश्योरेंस उसने किया हुआ है, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर रखा है ना, तो उसका जो पैसा है वो भी अलाउ होगा। तो उस केस में, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सी में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, तो ये सेक्शन 43B में हम पढ़ेंगे भी उसको, बट अभी हम समझ लेते हैं। तो 43B में ये दिया हुआ है कि जो भी टैक्सेस होते हैं जब आप उसे पे करते हो तभी अलाउ होता है। होता क्या था कई बार कि लोग उस खर्चे को तो मतलब बेनिफिट ले लेते थे उसका, कि हमने खर्चा किया है तो उसे प्रॉफिट कम हो जाता है, खर्चे में दिखा दिया, बट पे नहीं करते थे, बहुत समय समय तक पे नहीं करते थे। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, रेवेन्यू लॉस होता था। तो इस वजह से ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि अगर आपने वो खर्चा जो है वह पे कर दोगे तभी आपको अलाउ होगा। तो ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 43D है कि अगर आपने लैंड रेवेन्यू पे किया हुआ है, वो खर्चा अगर आप डाल रहे हो तभी आपको अलाउ होगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा जब आप असेसमेंट में हो तो वहां पर अगर वो इस तरह का कोई खर्चा दिखाता है, तो आप हमेशा उसे मान सकते हो दिखाते हुए कि 43B सेक्शन इसमें लगता है। वैसे केसेस में जब तक कि वो आपको रसीद नहीं देगा कि उसने जमा कर दिया है, तब तक कि उसका खर्चा आप अलाउ डिसअलाउ में डाल सकते हैं, क्योंकि वो अलाउ तभी होगा जबकि वो पे करेगा। और प्रीमियम यानी कि अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस टेनेंट भी ले सकता है, एसएससी भी ले सकता है। तो अगर टेनेंट ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उससे होने वाला जो भी प्रीमियम जो भी आ रहा है उसका खर्चा उसको मिलेगा, है ना। और ये एसएससी के केस जो ओनर अगर है तो उसके केस में तो ये चीज क्लियर है, उसको भी मिलेगा। फिर अभी 30 हो गया, तो 30 में हमने क्या चीज देखी, हमने बिल्डिंग की यहाँ पे बात की है ना। और बिल्डिंग यानी कि जो प्लेस है, प्रमाइस की हम बात करते हैं सेक्शन 30 में, हम सिर्फ प्रमाइस की बात करते हैं। प्रमाइस दो तरीके से ओन की जा सकती है, प्रमाइस पे बिजनेस दो तरीके से चला सकते हैं, एज अ टेनेंट भी चला सकते हैं और एज अ ओनर भी चला सकते हैं। आप प्रमाइस के ओनर भी हो सकते हैं। जब आप टेनेंट होंगे तो आपको रेंट अलाउ होगा, साथ ही साथ में टेयर्स और रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें अलाउ। बट जब आप अगर खुद ही ओनर हो उस बिल्डिंग के, तो क्या होगा, प्राइस के अगर आप ओनर हो तो आपको रेंट अलाउ नहीं होगा, बाकी सारी चीजें अलाउ होंगी। अब हम बात करते हैं रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग की बात की, अब मशीनरी, जो भी मशीनरी लग रही है कहीं पर भी, क्योंकि बिजनेस किससे होता है, एक तो प्राइस होती है, दूसरी वहां की मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो इनकम एक्टली जैसे डिफाइंड है, प्लांट्स का मतलब हो सकता है जो भी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि डिफाइंड है एज अ प्लांट। तो वो प्लांट हो गया, फर्नीचर हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं जो फर्नीचर की नॉर्मल डेफिनेशन है। तो क्या चीज है दूसरी चीज क्या हो गई, कि 31 में जो डिफाइंड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर यूज फॉर द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, द फॉलोइंग डिडक्शन शॉल बी अलाउड। ठीक है, ये डिडक्शन अलाउ होगा, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स। तो क्या चीज है कि अगर करेंट रिपेयर्स पे, यानी कि समझ लीजिए कि अगर
मशीनरी यूज हो रही है, प्लांट और फर्नीचर यूज हो रहा है, तो क्या चीजें अलाउ होंगी जो करंट रिपेयर्स पे जो पैसा लग रहा है, यानी अगर आप कोई मशीनरी चलाते हो, कोई फर्नीचर यूज करते हो, तो उसके अंदर बीच बीच में कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं उनको उसी हालत में रखने के लिए, तो वो जो खर्चे होंगे वो अलाउ होंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर समझ लीजिए एक मिल है, किसी ने मिल लगा रखी है, वहां पर उसने क्या किया है कि उसने शुगर मिल लगा रखी है, उसने चार वहां पर अलग अलग सेपरेट सेपरेट लगाई हुई यूनिट्स लगा रखी है, तो एक चीज होगी कि उसने उनकी बीच बीच में ग्रीसिंग करा या कोई स्पेयर पार्ट है वो खराब हो गया और उसने उसको चेंज किया। दूसरी चीज क्या है कि चार की जगह उसने एक और उसके अंदर शुगर मतलब एक और मशीनरी लगा दी, तो अगर पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ वेयर एंड टेयर जो है उन्हीं को उसने सही करता रहा ताकि फंक्शनिंग होती रहे, तो वो करंट रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्चुअली मैं इसलिए टॉपिक को अभी पहले भी करंट रिपेयर वर्ड आया था, मैंने ज्यादा इसलिए नहीं समझाया ताकि मैं दोनों को कवर करने के बाद भी तब मैं आपके साथ में करंट रिपेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन दोनों। ठीक है, तो इंश्योरेंस जिस तरह से प्रमाइस का इंश्योरेंस होता है, वैसे मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का भी इंश्योरेंस होता है, तो उसके ऊपर होने वाला जो भी खर्चा है, जो भी प्रीमियम है, वो भी अलाउड हो, है ना। तो मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर के केस में क्या अलाउड है, करंट रिपेयर्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, और दूसरी चीज इंश्योरेंस, क्योंकि और कोई चीज है भी नहीं उसके अंदर जो अलाउड हो सकती है। बाकी जो अगर आप प्लांट और फर्नीचर जो भी चीज चला रहे हो, प्लांट चला रहे हो उसमें डीजल लग रहा है या जो भी खर्चे हैं, वो सब तो अलाउड हो गई है। ये एक बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। अगर द टर्म यूज टू कनोट्स बोथ एक्टिव यूज एंड पैसिव यूज, फिर हम ये तीन टर्म है इनको, और अच्छा पहले हम करंट रिपेयर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो करंट रिपेयर्स क्या होता है, करंट रिपेयर इज फॉर प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट, है ना, एसेट होना चाहिए तो उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे आपके पास में एक कार है ना, उसको भी कुछ मेंटेनेंस लगता है, जो मेंटेनेंस लग रहा है कार के, आप जब कार अपने पास में रखते हैं, उसको जो मेंटेनेंस लग रहा है वो जो है वो आ जाएगा करंट रिपेयर्स में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ब्रिंग अ न्यू एसेट इनटू एग्जिस्टेंस और टू ऑब्टेन अ न्यू एडवांटेज, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है करंट रिपेयर्स का वो नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ जाए ये नहीं होता है, या कोई नया एडवांटेज उस चीज से मिले ये भी नहीं होता है। तो उसका करंट रिपेयर्स का सिंपल मीनिंग होता है टू प्रिजर्व एंड मेंटेन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट, है ना। तो जैसे कि हमने बात की अभी जब हम बिल्डिंग सेक्शन 30 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर जो हमने देखा कि हम क्या कह रहे हैं प्रमाइज के अंदर करेंट रिपेयर्स, तो एक चीज हो गई कि एक SSC है, समझ लीजिए एक हॉस्पिटल है उसने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, एक मतलब SSC है उसने एक प्लेस ले रखी है रेंट पे जिसमें उसने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है। अब वो अगर वहां पर क्या करता है कि सीमेंट लाकर और सरिया जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, एक पूरी फ्लोर उसने बना ली ऊपर के साइड में, उसने एक फ्लोर ले रखी थी एक और बना ली, है ना, और साथ में उसने टाइल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको देखने से ही लग रहा है कि ये कोई एक तो नया एसेट आ रहा है ना, एक ऑलरेडी मतलब जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसी को रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप एक नई चीज बना दे रहे हैं उसके अंदर नया एडवांटेज लेने के लिए, है ना, आप एक सिटिंग एरिया नया बना रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो अलाउबल नहीं होगा। अलाउबल क्या होगा, अगर वहां पर आप समझ के मेंटेन करने के लिए आपको बीच में जो वॉश बेसिन उनके पाइप चेंज करने हैं, कहीं पर टाइल टूट गया आपने उसकी रिपेयर करानी है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो रिपेयर्स में आती हैं, उसको करंट रिपेयर होती है और वो अलाउ भी करते हैं। तो इस तरह की चीजें, ये जो इशू है ये काफी ज्यादा इनकम टैक्स में बहुत असेसमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वन ऑफ द मोस्ट यूज सेक्शन है, जो बहुत यूज होता है, और दोनों में क्योंकि हमेशा सबसे बड़ा कंटेंशन जो होता है एसेसिंग ऑफिसर और SSC के बीच में भी ये होता है कि वो कुछ खर्चे होते हैं जिनको वो कहता है, क्योंकि बड़े खर्चे भी होते हैं, वो कहता है करंट रिपेयर्स है, और एसेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये हमेशा एक बड़ा रहता है, एक इशू रहता है। तो उसमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और करंट रिपेयर्स क्या है। एक चीज यहाँ पर आई कि ये जो टर्म है एक्टिव एंड पैसिव यूज, यानी कि अगर किसी ने यूज करने का मतलब हुआ कि कोई चीज अगर तैयार करके रखी हुई है, जैसे कि एक बिजनेस चला रहा है उसके अंदर उसने
मतलब बिजली का काम होता है वहां पे, बिजली के लगातार बहुत जरूरत है, और जनरेटर ला के रखा हुआ है, जनरेटर के लिए डीजल के तैयार करके रखा हुआ है ना, पर उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, यूज तो हुआ है, ऑल्दो पैसिव यूज हुआ है, ठीक है। तो यूज वाली बात आ गई यहाँ पर। यहाँ जब हम यूज की बात करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ जो यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन है ना, जब हम इंश्योरेंस और मशीनरी प्लांट और फर्नीचर की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है कहीं ने किसी ने मशीन मंगा के रखी हो इसलिए कि अगर ये मशीन खराब हो जाएगी तो हम उसकी मशीन यूज करेंगे, है ना, उसे सेटअप भी कर लिया है, उसका ट्रायल भी कर लिया है, मशीन का सारी चीजें हो गई हैं, बट उसने अभी उसको इसलिए यूज नहीं कर पाया है ना, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ी है, बट एज अ रखा हुआ है उसे ना, बिजनेस में ला के रख दिया है उस चीज को यूज करने के लिए। तो ऐसे केस में भी हम उसको पैसिव यूज मानते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, हम उसके ऊपर होने वाला जो भी खर्चा है उसको भी हम अलाउ करेंगे ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर उसमें एक जनरेटर जो है वो रखा हुआ है कि कभी भी यूज पड़ेगा, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में जो भी चल रही है वहां पर कभी भी जनरेटर यूज पड़ सकता है, उसने दो जनरेटर ला के रखे, एक ही यूज हुआ दूसरा यूज नहीं हुआ, तो जनरेटर के ऊपर जो भी होने वाला जो भी खर्चा है वो हम अलाउ करना पड़ेगा, उसे अलाउ किया जाएगा, वो उसका एक सही खर्चा है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका बिजनेस चलता रहे, है ना, तो वो पूरी तरह से बिजनेस के लिए होने वाला खर्चा है, तो इसलिए अलाउ, इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था एक्टिव एंड पैसिव यूज, उसका मतलब यही है कि एक्टिव यूज का मतलब जरूरी नहीं है कि वो चीज एक्टिवली यूज होती रहे, हो सकता है कोई मशीनरी है जो सिर्फ थोड़े समय के लिए यूज हो, मे बी साल में 2 दिन के लिए यूज हो, पर हम खाली ये कहकर कि नहीं इसका यूज कम हुआ है इसलिए हम इसके ऊपर होने वाला इंश्योरेंस का पैसा या जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, हम उसको अलाउ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कुछ कैपिटल एसेट बनता है, ठीक है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसके अंदर एक नया, अगर एक नया रूम बन गया, एक नई चीज बन गई वहां पर ना, तो हम उसको बोलेंगे कि वो बिल्डिंग के अंदर एक एनहेंसमेंट हुआ है और हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे कि एक अगर मिल है वहां पर मशीनरी रखी हुई है और एक नई मशीनरी एक्सपोर्ट कर कर आती है और हम उसको एक और मशीनरी वहां पे लगाते हैं, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो मशीनरी क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी, और वो हमारी किस में जाएगी, बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगी, वहां पर उसमें डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो पैसे खर्चे हैं जो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए रोजमर्रा के तौर पर वो खर्चे होते हैं, है ना, और तो उन खर्चों को वो क्या होता है, वो खर्चे की तरह से उसको हम क्या करते हैं, उसका डिडक्शन देते हैं। तो देखिए दोनों एक तरीके से अगर आप इसको थियोरेटिकली सोचें माइंड में, तो खर्चे दोनों का ही हमें, मतलब ऐसा नहीं है ऐसे सी को कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलता है क्योंकि डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। उसने एक कार लाई है, उसने कार लाया बिजनेस के लिए, उसने कार खरीदी, तो वो क्या हुआ, वो एक एसेट हुआ, है ना, वो उसकी बैलेंस शीट में जाएगा और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो धीरे धीरे करके उसको उसके होने वाला जो खर्चा है उसका लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो तुरंत मिलता है ना, ये डिफरेंस है। तो दोनों एक्सपेंडिचर में उसका बेनिफिट एसएससी को, क्योंकि उसने खर्चा किया है बिजनेस के लिए किया है, तो उसका उसको मतलब बेनिफिट मिलता है उस खर्चे का, बट बस डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू में क्या होता है, वो तुरंत मिलता है, उसी साल में मिलता है जब वो हो रहा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिप्रिसिएशन के फॉर्म में 23 सालों तक मिलता है। तो अब इसके बाद में आज की क्लास हम खत्म करते हैं, कल हम आपको कल पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेशन होगा डेप्रिसिएशन के ऊपर, ठीक है, और आप एक बार देख लीजिए 32 के बाद में जो तो सेक्शंस हैं 32 से 37 तक जो होंगे बाद, ठीक है। 37 इसमें सबसे रेसिड्यूरी सेक्शन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें, क्योंकि ज्यादातर खर्चे जो जो सबको मालूम है जो लिखे हुए हैं वो तो हम लोग अलाउ करते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 पे वो चीजें होती है जो कि ज्यादा एक्ट में नहीं लिखी हुई होती है, क्योंकि हमने शुरू में ही लिखा भी हुआ है कि हमने क्या लिखा है सबसे पहले ही स्लाइड में, कि जो भी खर्चे हैं एग्जॉस्टिवली लिस्टेड नहीं है ना, तो जो खर्चे लिस्टेड नहीं है पर तब भी आपको लगता है एसएससी को ऑब्वियसली बिजनेसमैन को लगता है कि खर्चा होना चाहिए, और एसएससी ऑफिसर को भी अगर असेसमेंट में आता है ना, स्कूटी में आता है और उसको लगता है कि हाँ ये खर्चा होना चाहिए, तो वो अलाउबल होता है। तो ठीक है पार्टिसिपेंट्स, आज के दिन मैंने इसलिए आपको क्वेश्चंस नहीं दिए पोलिंग के वाले, क्योंकि मुझे था कि डेप्रिसिएशन के ज्यादातर क्वेश्चंस थे हमारे पास ही, और तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं। कोई पार्टिसिपेंट जिसको कुछ भी पूछना हो किसी भी सेक्शन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
मैं चाहूंगी कल की इस क्लास में हम उसको इंक्लूड भी कर लेंगे, या कुछ मटेरियल वगैरह अगर किसी को चाहिए होगा तो उसको भी आपके व्हाट्सएप पे मैं मनोजी को दे दूंगी, तो उसमें डाल देंगे कोई भी अगर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी सेक्शन के बारे में जो हमने जो भी चीजें पढ़ी उसके बारे में। ओके थैंक यू। ठीक है फिर कल के दिन आपकी क्लास में इसी टाइम पर होगी जैसे आज हुई है, और थैंक यू एवरीवन। और कल के दिन हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, आप लोग चाहें तो आप लोग लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, ओके थैंक यू सो मच, आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में आप उसको एक बार देख लीजिए, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्पीकर आज आफ्टरनून क्लास जो है वो आपकी हमारे AD1 है वो लेके अजय त्रिपाठी जी, तो जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट ईयर के देख लीजिए, मैं भी थोड़े से निकाल के रखूंगी ताकि हम लोग क्वेश्चन को भी देखते चले, और एग्जाम बोर्ड का भी उसे कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। ठीक है, ओके थैंक यू एवरीवन, गुड डे।